हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। पंजाबी इंडस्ट्री नाल जुड़ियां कुछ खास अपडेट्स लैके तुहाडे सामने हाजिर हुई हाँ। सब तो पहला असीं जिक्र करना चाहते हाँ दलजीत दोसांझ दा। उसने एक स्टोरी शेयर की है, तुसीं देख ही सकते हो। हॉलीवुड की बहुत वड्डी कंपनी जिस दे की खुद दे म्यूजिक लेवल ने, प्रोडक्शन हाउस ने, वार्नर म्यूजिक, वार्नर ब्रदरस शायद इस दे नाम तो तुसीं इसनूं जानते होवो, भरा ने कंट्रैक्ट कर लिया है अपने म्यूजिक उन्हां दे लेवल हेठ रिलीज कर सकता है। पहला पंजाबी आर्टिस्ट भी बन चुका है। सानू नहीं लगता किसी होर पंजाबी आर्टिस्ट दे वार्नर ब्रदरस वालिया नाल संबंध भी होणगे। जेकर दोस्तों दलजीत दोसांझ की प्रोफाइल स्टॉक करते हो तो तुहानू यह भी पता होगा, 3-4 महीने पहले की ही गल है। स्टोरी शेयर की थी जो उन्होंने ऑफिस गया सी कि जिंदगी विच टैंकियां तो बहुत देखिया ने, आ भी टैंकी देखने वाली रह गई सी, हुण सी देख ली। वो दोस्तों वार्नर ब्रदरस वालियां दी टैंकी सी। फिल्म भी साइन हो चुकी है इन्हां नाल ते हुण अपने म्यूजिक नूं भी इन्हां दा लेबल दे दिता है। नवीं ही बुलंदियां प्राप्त दिन ब दिन अचीव कर रहा है। ते दूसरी गल है जसवंत सिंह खरड़ा ते आधारित जो भरा फिल्म रिलीज करने वाला है। जसवंत सिंह खरड़ा ते परिवार ने दोस्तों अनुमति दे दी है, पर कुछ कु विचारधारा वाले लोग इस गल की विरोध कर रहे हैं कि नहीं, इदा नहीं होना चाहिए, बायोपिक नहीं बननी चाहिए। हालांकि उन्होंने परिवार ने यह भी गल कही है कि साढ़े को सिख जथेबंदियां आई सन, वो ये कह रही सन कि असी ग्राही करके इस फिल्म की प्रोडक्शन शुरू करांगे, रिलीज करांगे, पर दोस्तों उन्होंने विचार वटांदरे नहीं मिल सके। जिस तो बाद जसवंत सिंह खारड़ा के परिवार की मुलाकात हुई। हनी सिंह दलजीत दोसांझ का ही एक करीबी दोस्त मित्र जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी जानकारी असं पिछली वीडियो भी दे चुके हाँ। पर दोस्तों मेन गल है कि विरोध तो क्यों की जा रही है, जबकि उन्होंने फैमिली ने भी यह कह दिता कि रिलीज होने तो पहले असं खुद फिल्म देखांगे, जे कि सानू ऊंच नीच लगी तो असं उसनू कट भी जरूर करवावांगे। दो कारण हैं विरोधता दे, जेकर असं ओवरऑल झाती मारीए, वो ये कह रहे सन कि लोगों के मन में यह ना नैरेटिव बैठ जाए कि जसवंत सिंह खरड़ा दलजीत दोसांझ ही है, मतलब आइडल सही पहचानन लोग, उन्हां दी तस्वीर दलजीत दोसांझ वर्गी ही ना मन में बैठ जाए। तो दूसरी गल कि दलजीत दोसांझ ने कई चकमियां रखमियां भी फिल्मां कीतियां ने। दोस्तों असं कुछ शब्द वरतना नहीं चाहते, पर पोस्ट इदां दियां काफ़ी वायरल हो रही ने कि दलजीत दोसांझ किदां सानू विश्वास दिला सकता है कि जसवंत सिंह खरड़ा ते वो फिल्म तो रिलीज कर देगा पर अगली फिल्म में कोई ऊंच नीच वाली गल नहीं करेगा। तो दोस्तों इन्हों का ही जवाब कल भरा ने कुछ कुछ स्टोरिया राही, ट्वीट्स राही शेयर भी किया, रिप्लाई भी किया, जिन्होंने कि भरा ने बाद में डिलीट भी कर दिता। कारण की हैं सानू कुछ समझ नहीं आ रही गल। तुसी दोस्तों इस गल नूं किदां देखते हो, विरोधता करनी चाहिए है या नहीं? एक धड़ा है जो खुश है कि चलो वधिया गल है, जसवंत सिंह खरड़ा 25,000 होर सिख नौजवान उन्होंने कहानी आम लोगों को पता लगेगी, आने वाली पीढ़ी तक यह फिल्म दिखाई जा सकती है। तो दूसरे पास नैरेटिव दोस्तों कुछ हो रही है कि दलजीत दोसांझ की ही छाप ना रह जाए एज ए जसवंत सिंह खरड़ा। तुसी इस बारे अपने अहम विचार जरूर दियो। ते दोस्तों जेकर आपां जिक्र करिए दलजीत भरा दी ईपी ते लाइव शोज दा, ईपी बारे तां दोस्तों हले असीं कुछ भी नहीं कह सकते, वैसे अंदाजे तां लगाए जा रहे हन कि रिलीज कर देवेगा थोड़े कु दिनां तक। ते रही गल लाइव शोज दी, पूरी रिहर्सल कर रहा है, बस डेटां अनाउंस कुछ कु दिनां तक हो ही जाणगीआं। ते इक क्लिप भी शेयर कीती है जिहड़ी कि तुहानूं असीं लास्ट विच जरूर दिखा देवांगे। ते तुसीं कैप्शन इसदा देखो, 7-8 साल पुरानी आ वीडियो पर हुण 2 साल बाद आफ्टर कोरोना टूर स्टार्ट करना, फील इदां जिद्दां पहली वार स्टेज ते जाणा हुंदा, गलतियां चेक कर रहा सी अपनियां ये वीडियो लभ गई, गाने नाल फिल्म की स्टोरी भी चल रही आ, टीम लगी अपनी पूरा जोरां शोरां नाल तैयारियां च, बस सुख रखे रब। ते इस क्लिप नूं दोस्तों तुसी लास्ट ते जरूर देख लियो। सनसनी दलजीत भरा ने फिलहाल दे टाइम काफी ज्यादा फैलाई है। ते दोस्तों इत्थे हुण असीं सिद्धू मूसेवाले दा जिक्र करना चाहुंदे हां। इलैक्शन दा रिजल्ट बस कुछ कु टाइम तक ही आउण वाला है, फैन अरदास भी कर रहे हैं कि भरा नूं जित हासिल होवे। ते उस तों भी ज्यादा उड़ीक हो रही है जो उसका सनी मिल्टन नाल गाने दा ऐलान किया होया है। यह सोचो दोस्तों तुसी उस गाने दे पोस्टर पाए नूं किन्ना टाइम हो गया, उस तों बाद सनी मिल्टन ने अपने खुद ही गाने दा ऐलान कर दिता जो कि उस तो भी पहला रिलीज हो जाएगा, मतलब पोस्टर बाद चो पाया रिलीज हो पहला हो जाएगा। 2-3 दिन तक सानू लगता है यह गाना रिलीज हो ही जाएगा, सिद्धू दे सनी मिल्टन देखते हैं फिर किन्नी तक पाउंदे ने। ते दोस्तों इत्थे हुण असीं अर्जन ढिल्लो ते निमरत खैरा जी का जिक्र करना चाहते हाँ। इकट्ठे टूर लगाउण जा रहे हैं कैनेडा का, जिन्हां दी ही एक क्लिप नूं अर्जन ढिल्लो ने शेयर करते हुए कहा, जदों 1,000 टिकटां पहले दिन ही सैल आउट हो चुकियां सन, अर्जन इतिहास बनावेगा ते गा के जाऊगा। ते दोस्तों जेकर रही गल निमरत खैरा दी जो कि नाल ही परफॉर्मेंस करन वाली है, चलो लाइव शोज़ का जिक्र अलग रह गया, उसने यह भी स्टोरी शेयर की है, निम्मू एल्बम का अगला गाना वीडियो कुछ दिन तक। सारे ही सिंगर जोरों शोरों के काम कर रहे हैं, होर भी कई आर्टिस्टों के लाइव शो भी होने वाले ने, अपनी एल्बम भी रिलीज करने वाले ने। तो दोस्तों इतने हम असं अमृतपाल सिंह मेहरों का जिक्र करना चाहते हाँ। कॉल रिकॉर्डिंग शायद तुम उसकी सुन ही रही होगी जिस बच्चे की सिमरनजीत सिंह मान न कुछ उन्होंने गिले शिक भी चल रहे सन, वैसे भरा लाइव भी आया सी, पर इस तो अलावा उसने एक स्टोरी शेयर की है, प्यारियो ये दुनियादारी है, इतने माड़ियां मोटियां गल्ला चलदियां रहिंदियां ने, मेरा किसी नाल कोई गुस्सा नहीं ते ना ही होना, थल्ले वालियां ने मेरे ते एवें गलत इल्जाम लाए सी तां बोलना पिया, जिहड़ा मसला चल रहा है वह असी बैठ के खत्म कर लवांगे, मेरे वलों तां खत्म ही आ, पार्टी का मसला असी निबेड़ लवांगे, गुस्से गले चलते रहिंदे आ, मेरी पार्टी के सीनियर वीरां नूं बेनती आ, मैं जल्दी मिलदा सब नूं, मैं किसी नाल गुस्से नहीं आ, सारे वीरां नूं बेनती आ, आपां सब ने किसी नूं माड़ा नहीं बोलना, बैठ के मसले का हल करना, एका बरकरार रखना, मुसीबतां विच भरा चल रहा है, दिल्ली वाले केस विच हले तक जमानत नहीं हुई, फरार ही है, ते कुछ कुछ जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई सी सोशल मीडिया ते सिमरजीत सिंह मान बारे चंगे विचार सानू लगता दोस्तों है ही नहीं,
ਸਨ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਟੂਡੀ ਅਲੈਪਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਬਾਰੇ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਏਬੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਟੂਰ ਪੂਰਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਵਾਦ ਪੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦਲਜੀਤ ਭਰਾ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਲਿੱਪ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਹੈ? All set, Sudha ji. Gora guys, we are brothers, okay? Panga na le leo, Punjabi yaad de naal. Munda, acha story ki si, Munda England honda, UK. Unu bada pyar ho gaya, kudi de naal. Pyar bada good hai, par, gal sun wali hai. Pyar bahut good hai, par piche, jithon Punjab ton aya, utthe de halaat vi hun theek karne ne. Naukri ta job ta mil gayi hai. ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਉੱਚਤ ਕਰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਅੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਰਾਣੀ ਹਾਰਨੀ ਮੱਥਾ ਇੰਜਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਪਚਾਉਣੀ ਤਾਰਨੀ ਤੂੰ ਹੈਂਡ ਕਰਦੀ ਏ ਸੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਛੱਲੜ ਤਾਂ ਜੁੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਮੱਥਾ ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪੈੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਨੀ ਮੱਥਾ ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪੈੜ ਲੈਣ ਦੇ ਹੈਗਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕਬੀਲਦਾਰ ਨੀ ਉੱਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੇੜਾ ਭਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਾਤੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਜਲਸੇ ਕਾਤੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਜਲਸੇ ਨੀ ਨਿਉਂਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਚੂ ਚੂ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਮੱਥਾ ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪੈੜ ਲੈਣ ਦੇ ਜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੀ ਜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੀ ਫੇਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਸਕੂਟੀ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੀ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਸਕੂਟੀ ਬਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਔਡੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਟਿੱਕਗੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਔਡੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿੱਕਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਡਾ ਤਰੜ ਲੈਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਚੂੰ ਚੂੰ ਲੈ ਦੂੰਗਾ ਨੀ ਮੱਥਾ ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ ਪੈੜ ਲੈਣ ਦੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਮੀ ਚੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਵ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।